क्लास इलेवेंथ चैप्टर सिक्स एग्जाम्पल नंबर टू स्टूडेंट, ये हमारा इन इक्वलिटी दे रखा है और इसको हमें सोल्व करना है। और इसमें दो क्वेश्चन स्टूडेंट हमसे पूछ रहा है। फर्स्ट में है x इज एन इंटीजर और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट x इज अ रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों को हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस इन इक्वलिटी को सोल्व करके हमें इसका आंसर लिखना होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा इन इक्वलिटी क्या दे रखा है स्टूडेंट बताइए, 5x माइनस थ्री लेस देन 3x प्लस वन। अब स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, तो अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, x वाले को एक तरफ करेंगे और बिना x वाले को एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो ये 5x है तो ये एज इट इज रहेगा यहीं, लेकिन ये है स्टूडेंट इन इक्वलिटी के बाहर है। जब ये अंदर आएगा स्टूडेंट तो 3x है तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x। लेकिन स्टूडेंट ये पॉजिटिव से निगेटिव में आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये इन इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, इन इक्वलिटी का साइन स्टूडेंट हम अगर मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर से करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर से या नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड देते हैं स्टूडेंट, वहां हम इन इक्वलिटी का साइन क्या कर देते हैं स्टूडेंट, चेंज कर देते हैं। याद रखिएगा, आप समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये इन इक्वलिटी का साइन मेरा चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब क्या बचा स्टूडेंट, ये वन है तो वन, और ये माइनस में है स्टूडेंट, इक्वल के इन इक्वलिटी के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट यहां तक? अब 5x में से हम 3x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x। ओके, लेस देन 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4। यानी कि x के वैल्यूज हमारे क्या हो गए, यानी कि x लेस देन 4 डिवाइड मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इन इक्वलिटी के बाहर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएंगे, यानी कि 2 2 4, यानी कि x के वैल्यू क्या आया है स्टूडेंट, लेस देन 2। समझ में आ गया स्टूडेंट, यानी कि x का जो वैल्यू आया है लेस देन 2 आया है। तो अब हमसे स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है स्टूडेंट, आपसे कह रहा है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। तो इस मेरा x इंटीजर है तो x के हमारे क्या वैल्यूज होंगे बताइए, यानी कि आपसे क्या कह रहा है, x लेस देन 2 यानी कि 2 से छोटा है x, यानी कि x के वैल्यू हमारे क्या होंगे, 2 से छोटा का मतलब 1 होगा। ठीक है, डेसिमल में मत लिखिएगा क्योंकि इंटीजर डेसिमल में नहीं होते हैं। ठीक है, एक जीरो के, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जीरो के राइट साइड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव में होंगे, 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक जाते रहेंगे। और इधर क्या होंगे, इधर जाएंगे स्टूडेंट हम माइनस नेगेटिव तक, इन्फिनिटिव तक जाता रहेगा। ठीक है, -1 -2, ठीक है, जीरो के लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन पॉइंट में नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि हम लिखते हैं यहाँ पर -1.2, ऐसा नहीं होगा, यानी कि या 1.5 ऐसा हम नहीं लिख सकते। ठीक है स्टूडेंट, इंटीजर में इस तरीके से नहीं लिखते हैं। एक्स लेस देन 2 यानी कि जब 2 से छोटा है तो एक्स के 1 होंगे, 0 होंगे, -1 होंगे, -2 भी होंगे। ठीक है स्टूडेंट, और ऐसे ही इन्फिनिटिव तक होता रहेगा। ठीक है, ये डैश डैश लिखने का मतलब है स्टूडेंट, इन्फिनिटिव तक ऐसे ही होते रहेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट, तो हमारे आंसर क्या हम लिखेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स, सेट ऑफ एक्स इसी तरीके से आपको लिखना है। तो क्या होगा स्टूडेंट, यानी कि हम कर्ली ब्रैकेट डालेंगे स्टूडेंट, और फिर ये इन्फिनिटिव लगा हुआ है तो आपको इन्फिनिटिव का इस तरीके से लगाना है, यानी कि इन्फिनिटिव तक निगेटिव में होंगे। फिर -2 लिख दीजिए, -1 लिख दीजिए, फिर 0 लिख दीजिए, और फिर 1 लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, 2 से छोटा ना कह रहे हैं आपसे, समझ में आया, तो 2 से छोटा यानी कि 1 तक ही हम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ इक्वल लगा होता स्टूडेंट तो हम 2 भी लिखते हैं। समझ में आ गया, ओके, क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब सेकेंड क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे क्या कह रहा है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, नहीं तो आप बहुत बड़े गलती कर जाओगे। ठीक है, सेकंड नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट, आपसे क्या कह रहा है, x इज अ रियल नंबर। x क्या है स्टूडेंट, x इज अ रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, क्या कह रहा है आपसे, x मेरा क्या है, रियल नंबर है। जब स्टूडेंट मेरा x रियल नंबर है तो हमारे आंसर क्या होंगे, इंटरवल फॉर्म में होंगे, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे आंसर क्या होंगे स्टूडेंट, यानी कि सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स, सेट ऑफ एक्स किस फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट बताइए, सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स यानी कि हम लिखेंगे स्टूडेंट, इन क्या है स्टूडेंट, एक्स लेस देन 2 आया है, यही तो आया है, तो आप इसको नंबर लाइन पर लिखिए। जब भी आपको आंसर लिखना हो स्टूडेंट इंटरवल फॉर्म में,
तो आपको नंबर लाइन पर ही लिखना होगा, आप अच्छे से लिख पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आपको पता है जीरो होते हैं, जीरो के राइट साइड की तरफ पॉजिटिव में होंगे, यानी कि वन टू थ्री, ठीक है। और यहाँ पर डैश 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 इन्फिनिटिव लिख दिया, फिर माइनस वन, फिर माइनस टू, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटिव लिख दिया, डैश डैश लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये मैंने इंटीजर यानी कि एक्स लेस देन टू तो मैंने इसको लाइन पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट हमारा एक्स लेस देन टू, तो टू कहाँ है स्टूडेंट मेरा, ये है टू, और ये टू है स्टूडेंट, और टू से छोटा क्या होंगे, यही तो होंगे हमारे टू से छोटा, यहाँ तक, ठीक है, यहीं तक हो गया स्टूडेंट। तो मैं क्या किया हूँ स्टूडेंट, टू से छोटा मैंने किस फॉर्म में लिखा हूँ बताइए, इंटरवल फॉर्म में। क्या लिखा हूँ स्टूडेंट, यानी कि इंटरवल फॉर्म का मतलब ये हो गया स्टूडेंट, इस तरीके से आप ओपन ब्रैकेट दीजिए और इस टू को लिखिए आप, ठीक है, टू को लिखिए, और छोटा कह रहा है तो स्टूडेंट हम इस तरीके से जाएंगे ना भाई, छोटा टू से छोटा वन, वन से छोटे क्या होंगे जीरो, जीरो से छोटा माइनस वन, माइनस वन से छोटा माइनस टू, और ऐसे ही माइनस इन्फिनिटिव भी होगा, लेकिन हमें पता नहीं है, लेकिन हमें लिखना होगा स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारा होगा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। इस नंबर लाइन पर आप इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है, पहले आपका माइनस इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है, और फिर आपके टू आएंगे, ऐसा नहीं कि पहले आप टू लिख दीजिए और फिर इन्फिनिटिव लिख दीजिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले माइनस इन्फिनिटिव आ रहा है तो पहले माइनस इन्फिनिटिव लिखना है आपको, और उसके बाद टू है तो टू मैंने लिख दिया, और इसको हम स्टूडेंट क्या कर दिया, इंटरवल फॉर्म में लिख दिया। इंटरवल फॉर्म में लिखने का मतलब ये है स्टूडेंट होंगे माइनस इन्फिनिटिव से टू के बीच ही होंगे, और इसी टाइप के लिखने को हम इंटरवल फॉर्म कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर होता स्टूडेंट एक्स लेस देन टू और इक्वल का साइन लगा रहता तो हम पता है कैसे लिखते स्टूडेंट, हम इक्वल का साइन लगा होता तो हम टू जरूर लिखते, ठीक है, टू यहाँ पर है तो हम टू लिखेंगे, और फिर ये बिग ब्रैकेट हम लगाएंगे, ठीक है, इसको हम बिग ब्रैकेट बोलते हैं या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हमारा टू भी शामिल है, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, यानी कि एक्स इजकल टू टू, यानी कि इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे हम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टू भी शामिल है और फिर हम माइनस इन्फिनिटिव देंगे, ठीक है, लेकिन माइनस इन्फिनिटिव तो हमारा शामिल नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। तो स्टूडेंट इसमें हमारा ना ही माइनस इन्फिनिटिव शामिल है और ना ही हमारा टू ही शामिल है, जब भी तो मैंने दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो यही आपका हुआ स्टूडेंट आंसर।